हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ एक और अमेजिंग सी ड्रामा लेकर। तो एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, हर ड्रामे की तरह ये भी एक ही पार्ट में ख़त्म होगा। आई मीन टू से एक मूवी में मैं पूरा ड्रामा ख़त्म करने वाली हूँ। आप लोग अंत तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सीना से। सीना ड्रामे की फीमेल लीड होती है। उसके पास एक बहुत बड़ा पेंडेंट था और उसके बाद वो अपने मन ही मन में बोल रही थी, आज फाइनली मुझे अपने असली पेरेंट्स के बारे में पता करने का मौका मिलेगा। इसी बात की वजह से सीना एक होटल पे आई हुई होती है जहाँ पर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पता करना था और उसके लोग वहाँ पर आने वाले होते हैं। क्योंकि सीना 18 साल पहले अपनी फैमिली से दूर हो गई थी और उसे अपनी फैमिली की कोई भी यादें पता नहीं है। सो सीना कॉरिडोर से जा रही होती है, अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। वो सोचती है क्या हो गया, मैं वीक हो गई या फिर इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जी उसकी जो सिस्टर होती है, मतलब सीना को जिसके जिस फैमिली ने एडॉप्ट किया हुआ था उसी की बेटी, उसने उसे एक ड्रिंक दिया हुआ था ये बोल के कि तुम्हें तो अब अपने असली पेरेंट्स मिलने वाले हैं तो ए पी लो, थोड़ा अच्छा महसूस होगा, तुम थोड़ा अच्छा फील करोगी बोल के उसने तो पिला दिया था। सो हमें दिखाया जाता है अभी सीना काफ़ी अच्छा महसूस तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुलता है, सीना को अंदर की तरफ खींचा जाता है जहाँ पर था ड्रामे का मेन लीड केन। केन इस ड्रामे का हीरो है और उसके बाद वो उसे अपने पास खींचता है। सीना तो घबरा जाती है, वो बोलती है कौन हो तुम, हटो यहाँ से। तभी केन बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उसके बाद वो उसके करीब आने की ट्राई करता है, सीना घबरा जाती है और बोलते है कि मुझे लगता है तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में जानने आई थी। वो उसकी बातें नहीं सुनता और उसके बाद उसे बेड की तरफ पुश करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीना थी उसके कंधे पे आई मीन टू से बैक साइड पे एक बटरफ्लाई वाला टैटू था जो केन नोटिस कर लेता है। और उसके बाद ऐसी नई पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद सीना वहाँ से भाग जाती है, काफ़ी घबराई हुई थी। और उसके बाद जी उसको फॉलो करते करते यहाँ तक आ पहुँची थी। वो सोचती है चलो चुड़ैल का कुछ तो इस बार मैं फ़ायदा उठा पाई, इसके बदले मुझे 200 मिलियन मिले बोल के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बाद में पता चला जी जो सीना से बहुत जलती थी क्योंकि उसके जो असली पेरेंट्स थे उन्होंने सीना को एडॉप्ट किया हुआ था और उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी जी से ज़्यादा। वो उसका पेंडेंट जो गिरा हुआ था उसको भी उठाती है और उसके बाद वो सोचती है यहाँ पर चलो अब तो इसका काम हो गया, मैं इससे फ़ोटो मांग लेती हूँ बोल के जिस बंदे के साथ उसने उसे सोने के लिए भेजा हुआ था तो उसको कॉल करती है। वो बंदा तो उसे गालियाँ दे रहा था, तुम मुझसे पैसे ले गए और वो लड़की मेरे कमरे में आई नहीं। और ये सुनने के बाद तो सोचती है कि क्या बकवास कर रही हो, उसने तो किसी के साथ अरेंजमेंट किया हुआ है। और उसके बाद वो धीरे से उस कमरे की तरफ जाती है जिस कमरे में सीना जिसके साथ अरेंजमेंट कर रही थी वो बंदा था। तो वो देखती है वो तो केन था, केन जो अभी चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन था। ये देखे तो वो शौक में वो बोलती कि ये कमीनी ये कर क्या रही है मेरे क्रश के साथ, इसने नाइट स्पेंड की, इसकी तो बहुत अच्छी किस्मत है। तभी वहाँ पर कुछ लोग फॉलो करते करते जी के पास आते हैं और जी के हाथ में ओ जेर वाला पेंडेंट देखते हैं और वो बोलते कि क्या आप वो हमारी मैडम की बेटी। ये सुनने के बाद जी बोलते कि क्या, तभी वो लोग बोलते हैं आपके हाथ में हमारे मैडम ने जो उनकी बेटी को दिया हुआ था जब वो खो गई थी उनके हाथ में जो पेंडेंट था वही आपके पास है, तो क्या आप हमारे मैडम की बेटी बोल के उसके खानदान का पूरा नाम बताने लगता है। तो अभी जी को पता चला जो सीना है वो बहुत बड़ी फैमिली बिजनेस फैमिली की बेटी थी। जो सुनने के बाद तो शौक में वो मन ही मन में सोचती है कमीनी, उसने एक ही झटके में वो मेरा क्रश भी ले गई और इतनी बड़ी फैमिली की बेटी ये मैं इसको ऐसे होने कैसे दे सकती हूँ। और उसके बाद जी बोलते कि हाँ मैं ही हूँ आपकी मैडम, आपकी छोटी मैडम। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते कि आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। सो हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में सीना 9 महीने के बाद अभी उसका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद उसे एक बंद कमरे में रखा गया था। और उसके बाद सीना के पास चली जाती है और उसके बाद सीना से गिरा रही थी, रो रही थी और बोल रही थी प्लीज़ डॉक्टर बुला लो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तभी जो जी थी वो बोलती है
मैं डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाली। और उसके बाद इवन वहाँ पर उसे गलत से गलत मेडिसिन दिया जाता है, जिसकी वजह से सीना तो बेहोशी हो गई थी। और उसके बाद उसका बेबी निकाला जाता है, क्योंकि लबर बन स्टार्ट हो चुका था। और उसका बच्चे निकालने के बाद वो लोग, सीना जो थी उसे ऐसे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी ऐसी जगह पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों को लगा था सीना यहीं पर मर जाएगी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सीना बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रोने लग जाती है और वो ऐसे बस मकान जी से ये प्रे कर रही थी, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी जी, तुमने मेरे बहन होने का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है लीप टाइम। लीप टाइम आई मीन टू से आप लोग देखते हो ड्रामा तो पता ही होगा, 6 से 7 साल का वक्त जहाँ पर सीना वापस चाइना आई हुई थी, वो एक होटल में थी कुछ काम की वजह से। और वो देखती है एक छोटा सा बच्चा, इसका नाम है बाव। वो ऐसे धीरे धीरे करके वो कुछ चीज़ें खाने की ट्राई कर रहा था। और उसके बाद सीना उसे देखती है, उसे समझाती है कि ऐसे मत करो, आप आराम से बैठ के खाओ, आपको प्रॉब्लम होगी। और उस बच्चे को देखती है, बाव काफ़ी क्यूट था, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये बच्चा तो बात ही नहीं कर सकता, ये देखे तो उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीना मन ही मन में सोचती है, अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो इतनी उम्र का होता। और उसे काफ़ी बैर से बात करने लगती है। और उसके बाद दिखाया जाता है केन, जो अभी फट रहा था, मतलब उसका बेटा गायब हो गया और इतने सारे लोगों को उसको देखने के लिए रखा था, क्या फ़ायदा, तो उनको क्लास ले रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सीना और बाव बातें कर रहे होते हैं साथ में थे, तभी वहाँ पर अभी बाव के लोग यानी कि केन के लोग आ जाते हैं। बाद में पता चला ये तो केन का ही बेटा है, तो वो लोग पहले सीना को बोल रहे थे इस बच्चे को हमें तो, ये हमारा हमारे छोटे मास्टर है। लेकिन सीना को थोड़ी यकीन आएगा, वो बोलते हैं कि आप लोगों के पास क्या प्रूफ है, आप लोग बच्चे कितने बनाने वाले लोगों के, मैं अभी अभी पुलिस बुला रही हूँ। और उसके बाद बाबू देखती हूँ बोलती कि बेटा ये इनको आप जानती हो, बाबू बोलता है नहीं। और उसके बाद तो सीना का गुस्सा साथ में आसमान पे चढ़ जाता है और वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। तभी वहाँ पर केन आता है, केन के आने के बाद जो सीना थी वो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने लगती है, तो केन को लगता है, उसके बाद उसे समझ में आता है ये तो सची में इसी का बेटा है। और उसके बाद वो लोग बाबू को लिख के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सीना मन ही मन में सोचते हैं इतना ज़्यादा अकड़ किस बात की, अगर इसका बेटा है तो थोड़ा प्यार से रखे ना, ऐसे दिखा रहा है जैसे कि कोई हिटलर हो, मन ही मन में वो ये सोचते होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाव, उसको तेज बुखार हो रखा था और उसके बाद वो ऐसे कुछ भी खाने से भी मना कर रहा था और ऐसे बात भी नहीं कर रहा था। दरअसल वो तो बात अब करता भी कैसे, अब इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा था, जिस बात की वजह से केन तो बहुत ज़्यादा परेशान था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, ऐसे बाव घर से भाग गया, फिर से एक बार भाग गया, आई मीन टू से सच्ची में भाग गया। और वो एक लड़की से टकरा जाता है, इसका नाम है लीली। और उसके बाद लीली तो उसे गालियाँ देने लगती है, सीना लकीली वहीं से क्रॉस हो रही थी तो उसे बचाने के लिए आ जाती है, जिसके चक्कर में लीली अभी उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लग जाती है। बाद में जब जो बाव था उसका अंकल आ जाता है, अंकल मतलब अभी जो केन था उसका असिस्टेंट। और उसके बाद उसके आने के बाद लीली की अच्छी खासी क्लास लग जाती है। और उसके बाद जो बाव था वो ऐसे जो शीना थी उससे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि आप मेरे साथ कुछ खाने के लिए जाओगे, ऐसा वो पूछता है साइन लैंग्वेज के थ्रू। और उसके बाद असिस्टेंट मनी मन में सोच रहा था ये बच्चा इतने टाइम से अपने बाप से भी इतना ज़्यादा ओपन नहीं है जितना ये लड़की के साथ ओपन हो रहा है। और उसके बाद उसे वही चीज़ बताता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मना मत करना, क्योंकि ये बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है, मैं इतने सालों में पहली बार देख रहा हूँ कि वो आपसे इतना खुल रहा है, तो प्लीज़ इसके साथ कुछ खाने चले जाओ, इसको अच्छा लगेगा। सीना बोलते कोई बात नहीं चलते बेटा, और उसके साथ चला जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो असिस्टेंट था, मन ही मन में सोच रहा था हे भगवान अब कुछ तो अच्छा हो, इस बच्चे की हेल्थ थोड़ी अच्छी हो, ऐसा वो प्रे कर रहा था, क्योंकि उसने देखा हुआ था इस बच्चे का हेल्थ बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हालत में था। और जो असिस्टेंट था वो केन को कॉल करके बता देता है कि अभी तुम्हारा बेटा उसके साथ खाना खाने के लिए गया हुआ है। और उसके बाद दिखाया जाता है अभी सीना और बाव ऐसे खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद वो सी फूड खाने के लिए सजेस्ट करती है और बाव तो खा रहा था। बाद में वहाँ पर आपसता है केन, केन ऐसे बोलता है जल्दी इसको थूको थूको निकालो, और जैसे वो थूकता है उसके बाद बच्चा तो बेहोश हो गया। बाद में पता चला
उसको सी फोर से एलर्जी थी। और उसके बाद वो बोलता है अभी कभी अस्पताल जाना पड़ेगा, और उसको लेके जाने वाला था। सीना तो रोने लग जाती है, वो उसे सॉरी बोलती है। केन उसे बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन इस तरह से तुम्हें कोई भी चीज़ें इस तरह से खिलाना नहीं चाहिए छोटे बच्चे को, इतना समझ में नहीं आता। और सीना सॉरी सॉरी बोल के उसे पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मुझे यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, मुझे बुरा लग रहा है। वो बोलता है हाँ आ जाओ। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं हॉस्पिटल पे। तो थोड़ा सा इंजेक्शन और मेडिसिन करने के बाद जो बाव था वो ठीक तो हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा था ये लड़की है कौन और इस तरह से मेरे बच्चे के आसपास क्यों आ रही है। और उसके बाद वो ऐसे जब वापस आता है मेडिसिन सब कुछ खरीद के, तो वो दिखता है शीना सो रही है, तो वो अपना कोट निकाल के उसे उड़ा देता है। तो पीछे नेक के साइड पे वो बटरफ्लाई वाला टैटू था जो उसने उस लड़की के गर्दन पे देखा था जिसके साथ उसने नाइट गुजारी हुई थी। तो सोचता है क्या है, वही है। और उसके बाद उसे कुछ बस धुंधली धुंधली यादें उसके दिमाग में थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी जो बाव था वो ठीक तो हो गया था, और तभी हमें ये दिखाया जाता है केंद्र वहाँ से चला गया। और उसके बाद जो जी थी वो वहाँ पर आई हुई थी। जी जब वहाँ पर शीना को देखती है वो तो शौक में आ जाती है, वो बोलते है तुम जिंदा हो। तेरी शीना बोलते कि क्यों बहना, बुरा लगा क्या मुझे जिंदा देख के। ये सुनने के बाद वो बोलते कि तुम जिंदा कैसे हो सकती है, तुम तो मर चुकी थी। वो बोलते कि हाँ मैं मर गई थी बस कहने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोगों को सबक सिखाए बगैर मेरे साथ कुछ हो सकता है क्या, भगवान जी भी मेरे साथ है। और अब तुम सब लोगों के साथ मैं एक एक करके चुन चुन के बदला लूंगी जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है का तो पूरा हालत ख़राब, उसको तो पसीना पसीना आ रहा होता है, घबराहट के मारे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने दो चीज़ किया हुआ था। एक तो वो शीना का आइडेंटिटी चुरा के वो अभी शीना की जगह पे उसकी फैमिली के साथ रह रही थी, एक अच्छी लाइफ सिंगल लाइफ जी रही थी, और दूसरी तरह से उसने उसके बच्चे को मरा हुआ भी बता दिया था। और वो इस बात की वजह से सोचती है पता नहीं क्या होगा, अगर केन को पता चला कि उस टाइम पे मेरे साथ नाइट स्पेंड करने मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं किया था बल्कि इसने किया था, तो वो तो मुझे छोड़ देगा। और उसके बाद वो सोचती है और मैंने जितना मेहनत किया होगा इतने सालों में इस फैमिली के अंदर आने के लिए, वो तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो सोचती है मैं सीना को इतनी जल्दी जीतने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। सो हमें अब अगले सीन में दिखाया जाता है केन बाव के साथ घर पे होता है। वो खाना भी बिल्कुल नहीं खा रहा था और इवन वो तो केन की तरफ देख भी नहीं रहा था, अपने बाप की तरफ बच्चा नहीं देख रहा था। तो टेंशन में आ गया, उसे बोल रहा था तुम अभी बहुत बदतमीज हो गए हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो उसे बोलता है मुझे आपसे बात नहीं करनी, ऐसी इस तरह करके वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, अपने कमरे को लॉक करता है। और उसके बाद बेचारा केन क्या ही करता, वो ऐसे दरवाज़ा पीट रहा था और वो बोलता है बेटा आपको जो चाहिए वो मिलेगा, प्लीज दरवाजा खोलो। ये सुनने का तो ऐसे धीरे से दरवाजा खोलता है और बोलता है मुझे वो आंटी दिला दो। ये सुन के तो केन फिर से परेशान है, भगवान इस औरत ने मेरे बेटे के ऊपर काला जादू कर दिया क्या, ये वाली फीलिंग उसे आ रही होती है। और उसके बाद फिर से वो दरवाजा बंद करता है। तो जो बाव था वो घर से भाग गया था और उसके पीछे पीछे सब लोग जा रहे थे, और बच्चा एक गाड़ी उसके उड़ा देने वाली थी। तो यहाँ पर जो सीना थी वो आके उसे बचाने के लिए उसे उधर देती है, खुद गाड़ी आके उसे ठोकने वाला था। लकीली हमारा कहना के उसे तो बचा लेता है। और बाद में हमें ये दिखाया जाता है हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ पर जो पाव था उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसे थोड़ी सी चोट लगी थी, छोटा बच्चा था ना। और उसके बाद जो शीना थी वो भी ठीक थी, वो टेंशन में आ गई थी और वो ऐसे परेशान होकर बैठी हुई थी। ये देख के केन को ऐसा लग रहा था ये लड़की पक्का मेरे बच्चे का इस्तेमाल करके मुझ तक आने की ट्राई कर रही है, या फिर ये वही लड़की जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। वो इतना कन्फ्यूजन और परेशानी में था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि सच क्या है झूठ क्या है, इसके बीच में बेचारा फंसा हुआ था। और तभी शीना को कॉल आया उसकी एडप्टिव मॉम का, मतलब जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ था। एट दैट टाइम वो ऐसे जाती है उनसे मिलने के लिए और वो बोल रही थी इतने टाइम के बाद तुम वापस आई हो बेटा, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं मिलते हैं बोल के मैंने बुलाया हुआ था। बेचारी उसको थोड़ी पता था ए मॉम भी अभी अपनी बेटी की साड़ी लेंगी, तो वहाँ पर उसे कुछ खिला देती है, जिसके बाद वो ऐसे अपनी बेटी जी को कॉल करती है। और बाद में पता चला ये सब तो प्लान था। तो 6-7 साल पहले जिस बंदे के साथ जीना
ना जी ने सेल किया हुआ था उसे उसके बेडरूम तक जो उसको भेजा जाता है। तो हमें दिखाया जाता है फिर से कैन जब हॉस्पिटल में आया तो वो देखता है बहुत तो पागलों की तरह हरकत कर रहा था, चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था, रोए जा रहा था और वो ऐसे इशारा कर रहा था मुझे आंटी चाहिए, आंटी को वापस लाओ वाले वो हरकतें कर रहा था। ये देखे तो कैन तो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था एग्जैक्टली क्या करना है। और उसके बाद वो बोलता है वो है कहाँ पर। और उसके बाद फिर से इधर दिखाया जाता है शीना, शीना के पास वो बंदा था, वो बोलता है मैंने 6 साल पहले तुम्हारे ऊपर 200 मिलियन खर्च किया था, उस टाइम पे तो मुझे कुछ मिल नहीं पाया लेकिन कोई बात नहीं, लेट ही सही लेकिन तुम मेरे बेडरूम तक तो आप पहुँची, बोल के उसके साथ गलत करने की ट्राई करता है। एट द टाइम हमें ये दिखाया जाता है शीना की आंखें खुलती है, उसके बाद उस बंदे को हटाने की ट्राई कर रही थी वो हट नहीं रहा था, उसका सर उड़ के वहाँ से भाग जाती है, कॉरिडोर से वो भाग के जा रही थी केन के साथ वो टकरा जाती है। और उसके बाद केन उसे बोला था तुम कहाँ पर थी, तुम मेरे बेटे को देखने के लिए बैठने वाली थी ना उसका देखभाल करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर होटल में गुलछड़े उड़ा रहे हो। ऐसे सुन के तो शीना क्या बोलती हूँ, बोलते मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी अभी मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मुझे जाने दो। वो तो उसे बिल्कुल भी ऐसे ठीक नहीं छोड़ ही नहीं रहा था। और तभी वहाँ पर वो बंदा आता है तो अभी केन को समझ में आ जाता है सीना तो मुसीबत में फंस गई, तो उस बंदे को अच्छी खासी धुलाई करके वहाँ से भेज देता है ये बोल के कि मैं कभी भी अपने लोगों को हर्ट होने नहीं देता, हिम्मत कैसे हो मेरे लोगों को हर्ट करने की। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीना ऐसे कमज़ोर पड़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा बुखार में थी। और उसके बाद केन को समझ में आ गया इस बंदे ने उसे मेडिसिन दिया हुआ है इसलिए उसको ऐसे उठा के बेडरूम में ले जाता है। और बेडरूम में वो बेचारी उसको सुला रहा था और वो बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को छोड़ के आने की, अगर मेरे बेटे को कुछ होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल ना छोड़ता। अरे बंदा तो उसकी क्लास ही ले रहा था। सीना बोलती है मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ मैं अच्छी हालत में नहीं हूँ। वो नहीं चाहते थे यहाँ पर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें हो, वो बोला था यहाँ पर डॉक्टर आ रहे तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद उसका फीवर चेक करने के लिए उसके एक शरबत रखने वाला था उसे अपने पास खींचती है और इनका एक्सीडेंटल केस हो जाता है। सीना बोले थे आई एम सॉरी प्लीज़ आप यहाँ से जाओ, लेकिन फिर से उसे छोड़ ही नहीं रही थी। और केन उसे बोलता है अब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे अपने आपके पास खींच रही हो तो अब रोना मत, ऐसा बोल के कोर्ट बोलता है। और उसके बाद उसके करीब नहीं जाता, मुझे लगा था जाने वाला है, एक्चुअल में उसे उठा के वॉशरूम में लेके जाता है। और उसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरह से नहलाने लगता है, मतलब पानी में भिगाने लगता है ताकि उसका नशा उतरे। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है, सुबह वाला सीन जहाँ पर सीना जब अपनी आँखें खोलती है वो याद करती है कल रात वाला इंसिडेंट, उसे ना बस धुंधला धुंधला सा ही याद था। तो वो याद करती है उसने तो केन को किस कर दिया था, उसकी तो फुहार लग गई, वो तो इतनी परेशान हो जाती है, वो सोचती है मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और उसके बाद वो सोचती है कि क्या मैंने सच में उसके साथ टाइम स्पेंड की। केन आता है वो भी ऐसे बाथरूम में था, वो बोलती है देखो मिस्टर केन जो भी कल रात में हुआ वो ऐसे सोचो कि दो अड़हल के बीच में हुआ है तो रात के ही बात गए आप भूल जाओ। केन बोलता है क्या, तभी वो बोलती है कि आप समझो ना मैं लड़की हूँ मैं लॉस में नहीं हूँ तो आप लॉस में नहीं हो सकती हो मुझे पता है आपका तो एक बेटा भी है, प्लीज़ ऐसा सोचो कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको याद करना नहीं चाहिए, गलती से हो गया तो आप रात के बात के भूल जाओ। सुनने के बाद केन उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा, इम्पॉसिबल है। सुनने के बाद शीना बोलती है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। सुनने के बाद केन बोलता है तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर रहा था यहाँ पर, एक तो तुम मेरे बेटे को छोड़ के यहाँ पर आई थी और अभी तुम मुझे गलत बोल रही हो, बोल के उसे उल्टा क्लास लेने लगता है। सीना सोचती है ये इंसान है क्या, हर बार मुझे इस तरह से डांटता है जैसे कि मेरा कोई अपना हो, उसे गुस्सा आ रहा था। और तभी होता यह है कि वो उसे बोलता है तुम कपड़े चेंज करो, मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है और उसके बाद बाव तुमसे मिलना चाहता है इसीलिए हॉस्पिटल पे जाना है। और बाहर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था, केन जाने वाला था, उसका जो बाथरूम था वो खुल गया, वो बाथरूम को ऐसे बंद करता है। और उसके बाद वो सीना के पास करीब ऐसे स्लीप खा गया, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक थे। और उसी टाइम पर कोई दरवाज़ा खोलता है मतलब तोड़ देता है, तो बाहर से बाव और असिस्टेंट अंदर आते हैं दोनों। अभी सीना और केन को साथ में देख के तो शौक में बाव तो बहुत खुश होता है और असिस्टेंट अभी बाव के आंखों को बंद करता है और वो बोलता है बच्चों को देखने वाली चीज नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कंटिन्यू बस कंटिन्यू। और उसके बाद वो वहां से
बाव को लेके चला जाता है। इस सिचुएशन में दोनों जिस तरह से इम्बेस हो रहे थे वो तो काफी ज्यादा देखने लायक था। तो आप बारी आते हैं एग्रीमेंट का। दरअसल केन चाहता था वो जो बाव था उसकी केयर टेकर बनी सीना, और सीना इस बात के लिए मान जाती है। मानने का रीजन बताती हूँ। दरअसल सीना वापस चाइना इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपने असली पेरेंट्स के बारे में पता करना था। जो जेड पेंडेंट उससे खो गया था वो जोड़ना चाहती थी और अपने असली माँ बाप तक पहुँचना चाहती थी, इसीलिए तो आई हुई थी। और सीना वैसे भी पाँव से तो अटैच हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी उससे। वो सोचती है जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक मैं अगर इस बच्चे के साथ रहूँगी तो मेरे लिए अच्छा ये होगा, क्योंकि जो हमारा केन है वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आदमी है, वो तो आपको पता ही है। और तो अभी उसके पावर सब कुछ इस्तेमाल करके वो अपने असली पेरेंट्स तक पहुँचना चाहती थी। वो ओके बोल देती है, वो उसे 6 मिलियन वाला ब्लैक कार्ड देता है। सीना मना करती है कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। तभी जो केन था वो बोलता है मेरे बेटे के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए और मुझे नहीं लगता उसके लिए तुम सब कुछ मैनेज कर पाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ले लो बोल के वो दे देता है। इसके बारे में जी को पता चल गया। वो तो आप केन की फियांसी थी, उसे तो बहुत गुस्सा आता है। वो ऐसे अपनी मदर इन लॉ यानी कि केन के माँ को भेज देती है केन के घर पे। और उसके बाद जो मॉम होती है वो सीना से बात करना शुरू करती है। पहले तो उससे गंदी गंदी गालियाँ देती है, स्लर 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 स्लर
मेरी बहू बहन के लिए तो लायक है ही नहीं। सीना बोलती है कितना पैसा है आपके पास, वो बोलते हैं 1 मिलियन का, आधे बोल के देती है। ये सुनने के बाद जो सीना थी वो बोलती है पर आपके बेटे ने तो मुझे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया हुआ है तो मुझे लगता है थोड़ा सस्ता पड़ गया, ऐसा बोल के वो आंटी जी को ऐसा बोलते हैं कि आपकी बात मैं कभी भी सुनने वाली हूँ नहीं। और आंटी जी को गुस्सा आता है, वो उसे तमाचे लगाने वाली थी, सीना रोक लेती है और बोलती है मैं यहाँ पर कुछ काम की वजह से आई हूँ और मेरा आपके बेटे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता आपको मुझे तो झेलना ही पड़ेगा और ये सब गलती मत करना क्योंकि मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूँ जो आपकी हर बदतमीजी सहूंगी, बोल के आंटी जी का अच्छा खासा क्लास ले लेती है। ये सुन के तो आंटी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। भाव और इवन केन दोनों ये सब कुछ देख रहे होते हैं। केन आता है मॉम ऐसे उसके बारे में बुरी चीज़ें बोलने की ट्राई करती है। केन ऐसे अपनी मॉम को समझाता है कि वो बस मेरे बेटे की नानी है, मेरे लिए मैटर नहीं करती, मॉम आप टेंशन मत लो। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो केन था वो अभी सीना के पास जाता है, सीना उसको सॉरी बोलती है उसकी मॉम के साथ थोड़ा रूडी बात करने के लिए। केन बोलता है यहाँ पर तुम मेरे बेटे की ख्याल रखने के लिए आई हुई हो, बाकी चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करना है यहाँ पर कर सकती हो, ऐसा वो बोल देता है। तो हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में सीना, उसको एक पार्टी में जाना था जहाँ पर केन भी जाने वाला था लेकिन केन यहाँ पर जी के साथ आया हुआ था। सब लोग जी और केन को अच्छा मतलब होता है ना परफेक्ट कपल आ वाली फीलिंग दे रहे होते हैं, जिस तरह से हम लोग ये पैर चाटते हैं वही यहाँ पर हरकतें हो रही होती हैं। और यहाँ पर सीना आ जाती है, सीना काफ़ी प्रीटी लग रही थी, बहुत सिंपल एलिगेंट वाला लुक उसका आ रहा होता है जो देखे सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ये सोच रहे थे ये लड़की है कौन। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है सीना पार्टी में आ गई, वो कॉरिडोर से पास हो रही थी और तभी एक बंदे के साथ वो टकरा जाती है, इसका नाम है जेन। और उसके बाद जेन उसके साथ टकराता है, दोनों में फॉर्मली बातें होती है, सॉरी सॉरी बोल के जेन उसे देखता है और वो बोलता है इसको देख के अपना सब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी छोटी बहन है जो बहुत सालों पहले खो गई थी, ऐसा वो मन मन में बोलता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे तो अभी ये सब कुछ जेन देख लेता है थोड़ा दूर से और उसे तो ऐसा लग रहा था ये लड़की इसके साथ बात कर रही है, मतलब सी इज़ इंटरेस्टेड अगर हो तो भी इसको क्या, लेकिन आप जेले से बात के भी जेले से नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में सीना के साथ मिलने के लिए लेन जाता है पार्टी में और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारा काम है जब तक मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है उस टाइम तक मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो तुम इस तरह से बाहर के मैन के साथ नहीं घूम सकते, मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बोल के उसे तो गंदी गंदी गाली मतलब ऐसे बुरी चीज़ें बोलता है। और वो बोलता है मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम राह चलते इंसान को भी पटा सको। सीना मन ही मन में सोचती है ये बंदा दिमाग से पैदल है क्या, एक क्या बकवास कर रहा है, और उसके बाद कोई इतना ज़्यादा भाव नहीं देती। तो अब दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो
जी थी वो अपने फ्रेंड के साथ होती है और रोना धोना स्टार्ट करती है क्योंकि उसके फ्रेंड को पता था। जी तो जी और जो केन है वो इंगेज हो चुके हैं, तो अभी ये बंदा क्यों उसके साथ इतना ध्यान नहीं दे रहा और रोने धोने लगती है। ये बोलती है कि वो मेरी बहन है, फिर भी केन उसके आसपास चलता रहता है, मैं क्या करूँ, वो तो मुझे देखता भी नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है, बोल के वो बहुत बेचारी बनती है। तो उसकी फ्रेंड को तो बुरा लगता है, वो बोलती है चलो इसको मजा चखाया जाए। और उसके बाद उसका जो ज्वेलरी था एक बहुत महंगा नेकलेस उसको वो मांग लेती है। और उसके बाद सीना ऐसे कॉरिडोर पे जाती है, सीना वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी तो उसके साथ धक्का लगने का ड्रामा करती है। और उसके बाद सॉरी सॉरी बोलती है, सीना बोलते है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो वॉशरूम में अपने आप को साफ करने के लिए चली जाती है सीना, तभी वो लड़के उसके बैग पे ज्वेलरी रखती है, मतलब वो नेकलेस का पीस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर आके ये लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका बहुत महंगा ज्वेलरी का पीस खो गया, तो आप लोग हेल्प करिए, सबका चेकिंग होता है। और ऑब्वियसली सीना के बाकी भी चेकिंग होती है, वहाँ पर वो ज्वेलरी था, सब लोग से चोरनी बोलने लगते हैं। और ये सब देख के तो अभी सब लोग शौक में थे। असिस्टेंट बोल रहा था केन को कि अब क्या करे, तभी वो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसकी पर्सनल लाइफ है, इसमें जो को जो भी करे, बस मेरे घर में मेरी बेटी की नैनी बन के रहेगी, बाकी चीज़ों से मुझे लेना देना है नहीं। और उसके बाद दिखाया जाता है सीना बोलती है कि अरे सॉरी मैंने किया हुआ है, वो बोलते कि हाँ तुमने किया है, अब तुम्हें मैं पुलिस को भेजूंगी, या फिर तुम एक काम करो तुम्हें जी से अभी कभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी घुटने में बैठ कर। तभी सीना बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर सर्विलेंस कैमरा तो होगा ना, अगर सर्विलेंस कैमरे में भी ये दिखेगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो सर्विलेंस कैमरे की जगह पे जाते हैं जहाँ पर तो कैमरा तो ब्रोक हो चुका था, मतलब वो जितने भी डाटा थे वो गायब करवा चुके थे। सीना जाती है और उसके बाद वो सारा डाटा कुछ वक्त लगा के रिकवर करती है और असलियत तो आ जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही थी, मुझे तुम्हारी मैडम के सामने माफ़ी मांगनी है, ये तुम्हारी दोस्त है या फिर तुम्हारी कोई चमची। और उसके बाद वो उससे घसीट के लेके आते हैं स्टेज पे और वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये लड़की यहाँ पर चोरनी निकली जो मेरी बहन की दोस्त थी, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अपसेट मत होना, ये पार्टी इंजॉय कीजिए। और इसको एक ऑप्शन देते हैं, या तो ये मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि इसने अभी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, या फिर इसको हम जेल भेजेंगे। तो ना चाहते हुए भी जो जी की दोस्त थी उसको उसके सामने घुटने में बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। और उसके बाद वो तो काफ़ी टेंशन में, काफ़ी गुस्से में, और उसके बाद वो किसी को कॉल करती है बाद में, और उसके बाद सीना को रास्ते से हटाने के लिए बोल रही होती है क्योंकि आज का जो ह्यूमिलेशन था वो सब कुछ जी के फ्रेंड से बर्दाश्त हो नहीं रहा होता है। और उसके बाद ये सब कुछ देख के तो होने वाली भाभी की हरकतें, आई मीन टू से ये सब कुछ जो केन का असिस्टेंट था देख के वो तो उसकी तारीफें कबूल बांधते जा रहा था और वो बोल रहा था इतनी स्ट्रोंग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो आपने साथ हुए पंगे को खुद ही संभाल लेती है, कितनी अच्छी है लड़की, कितनी इम्प्रेसिव है। अगर ये सचिन में हमारी भाभी होती तो बोल के वो तो बके जा रहा था, बोले जा रहा था, जो देख के कहने से उससे कूट के देखता है। और वो बोलता है इतनी पसंद आ रही है तो एक काम करो, तो मेरा असिस्टेंट के बॉस से रिजाइन ही कर दो, मैं इसको रख लूँगा। जो सुनने के बाद वो अपने मुंह पे चैन लगाता है, मतलब हाँ ठीक है बस मैं चुप रहूँगा बोलने वाला इशारा करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जेन सीना से मिला जाता था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट उसे काफ़ी पसंद आया था, दरअसल उसे उसके बारे में जानना भी था, उसे उसकी खोई हुई बहन जैसी लग रही थी सीना। और उसके बाद क्योंकि जेन काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करता था तो वो मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है सीना उसे एक प्रॉमिस लेती है कि वो उसकी रियलिटी किसी को ना बताए क्योंकि अब तक भी इसके असली नाम और ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। और उसके बाद वो ओके बोल देता है, इन दोनों में एग्रीमेंट होता है कि इन दोनों को साथ में ही काम करना है। इन दिन हमें ये दिखाया जाता है इन दोनों का एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये होता है जब ये लोग रात को जा रहे होते हैं घर के तरफ, कोई गाड़ी आके दोनों को ठोक देता है, मतलब गाड़ी को ठोक देता है, तो जिसमें जेन भी था और सीना भी थी, सीना ज़्यादा जख्मी हो गई थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो सीना थी उसको तो ट्रीटमेंट चल रहा होता है और जेन काफ़ी परेशान था, वो किसी को कॉल करता है और उसके बाद वो ऐसे बोलता है एक घंटे के अंदर मुझे उस गाड़ी का नंबर दो जिसने अभी सीना को ठोका हुआ था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो ऑपरेशन चलने वाला था उसका एग्रीमेंट साइन करना था और जेन साइन करने वाला था, तभी वहाँ पर आता है हमारा हीरो केन और उसके बाद वो साइन कर लेता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है
जो कैन था वो तो साइन कर लेता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बाद में पता चला जेन और कैन जो है वो बिजनेस रोल में सबसे बड़े दुश्मन थे, ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आप लोग सोच सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा इक्वेशन बनने वाला है। तो जो जेन था उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन के केन उसे बोलता है वो मेरी बेटे की नानी है तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो और किसकी हिम्मत है उसके ऊपर ये सब करने वाला। और यहाँ पर केन को ऐसा लग रहा था पक्का जेन के कोई दुश्मन होंगे, क्योंकि जेन को आदत है दुश्मन बनाते रहने की, तो उनमें से किसी ने सब किया होगा। एंड देन ये सोच के वो उसे तालिया दे रहा था और वो बोल रहा था पहले जाओ कितने दुश्मन ने तुम्हारे पता लगाओ, और उसके बाद अगर इसको कुछ भी हुआ था मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं यहाँ पर रह लूँगा। केन को यही अच्छा लगता है क्योंकि उसको ये जानना था किसने दरअसल उसको गार्ड ठोका हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सीधा चला जाता है जो हमारी जी थी उसकी फ्रेंड के साथ, और उसे एक तमाचा लगाता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे गाड़ी से ठोकने की, इसे तो सच पता चल चुका था क्योंकि अब इन लोगों के हिसाब से जो जी है उसकी बहन थी, मतलब असल में तो बहन हमारी सीना थी लेकिन जी तो बहन बन के बैठी है, तो अपनी बहन को भी गाली करता है डांटता है कि तुम ऐसे लड़कियों का सपोर्ट कर रहे हो ऐसी लड़की के साथ हो। और बाद में पता चला ये दोनों फियांसी भी थे, मतलब इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था, वो आप उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ता है और वो बोलता है मुझे ऐसे खूनी लड़के के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाना। अपनी बहन को भी डांटता है कि आज के बाद इसके आसपास भी मत आना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीना ऐसे हॉस्पिटल पे होती है, अब अभी जो जी की फ्रेंड थी उसे बदला तो लेना था, वो ऐसे उसे मारने के इरादों से ही हॉस्पिटल पे आई हुई होती है। और उसके बाद वहाँ पर उसका ऑक्सीजन मास्क हटाती, इससे पहले शाहबाव देख लेता है, शाहबाव डर के मारे भाग के निकल लेता है। तो उसके पीछे पीछे जा रही थी जी की फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर पापा यानी कि केन मिल गया, केन मिलने की वजह से उसे छुपना पड़ता है और वो अपने पापा को भगा के लेके आता है। और उसके बाद शीना के पास ले आता है, शीना अपने आँखें खोल चुकी थी। तो यहाँ पर केन को ना अब समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतना घबरा क्यों रहा था, उसे ऐसा फील हुआ पक्का इसने मेरा इंटरेस्ट पाने के लिए मेरी सिंपैथी पाने के लिए सब किया होगा, तो इस बात को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ये ज़रूर था जब शीना का ऑपरेशन चलने वाला था उससे पहले उसे मिलने आया था और उसका जो बाल था उसका सैंपल अपने असिस्टेंट को भेजवा चुका था, उसे सच जानना था कि क्या ये सच्ची में बाव की बेटी है सॉरी बाव की माँ है या फिर नहीं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में सीना कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है, और उसके बाद सीना केन को सजेस्ट करती है कि उसे बाव को अभी बोर्डिंग पे डालना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र 8 साल की हो चुकी है और अब तक वो प्राइमरी लेवल तक भी पढ़ने के लिए नहीं गया। और वो उसे प्रॉमिस लेती है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगी उन दोनों का एग्रीमेंट ख़त्म ना होता तब तक ये दोनों मिलके बच्चे को साथ में स्कूल पे छोड़ेंगे और जो शीना है वो उसे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग स्कूल पे एडमिशन तो करवा लेते हैं, लेकिन स्कूल में एडमिशन करवाने के फर्स्ट डे भी होता ये है कि शीना बच्चे को छोड़ के वापस आने वाली थी, कोई तो ये था जो अभी बाव को किडनैप कर लेता है। बेचारी बहुत परेशान हो केन को कॉल करती है और लेकिन केन तो उल्टा उस पर ही गुस्सा करता है कि तुम छोटे से बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए, तुम क्या यहाँ पर मेरी नानी बनोगी मेरे बच्चे की नानी बनोगी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोल के उसे डांटने लगता है। सीसीटीवी फुटेज ये लोग देखने लगते हैं। बाद में वहाँ पर जी भी आती है, जी तो जब यहाँ पर केन नहीं था अपनी बहन को बहुत ज़्यादा बुरी बुरी गालियाँ देने लगती है, ये बोलते हैं कि वो मेरा बच्चा है और तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। सीना को बहुत गुस्सा आता है, अगर वो तुम्हारा बच्चा है तो अब तक तुम थी कहाँ पर, मैं यहाँ पर मुझे आए हुए 1 महीना हो चुका है और तुम अब तक एक बार अपने बेटे के पास नहीं दिखी बोल के उसे डांट रही थी। दोनों बहनों में काफ़ी अच्छी तो में चली रही होती है। और तभी वहाँ पर आता है केन, केन पूछता है ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद जो जी थी वो तो बोल रही थी कि मैं तो बस अपने बेटे को अपने पास चाहती थी, ये मुझसे मेरा बेटा छीन रही है। केन को बहुत गुस्सा आता है, दोनों को डांटता है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद सीना को वो साफ साफ बोलता है जाओ मेरे बेटे को ढूंढ के ले आओ, अगर नहीं हो पाता ना तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अपने बेटे को संभालूंगा। सीना को भी बहुत गुस्सा आता है, ये होता कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला, तो इसी बात की वजह से वो गुस्से में निकलती है। और उसके बाद उसे मैसेज आता है
कि बाव इस लोकेशन में है। वो सोचती है मैं जाऊंगी उसे निकालूंगी, बाद में सोचती है उसका पापा तो मुझ पर गुस्सा करता रहता है, मुझे क्या है, वो खुद ही कर लेगा। ऐसे भी वो जी के बेटा है और मैं जी के बेटे के लिए कोई भी अच्छी फीलिंग रखना नहीं चाहती, मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं करना। उसका उसके माँ बाप जिंदा है, वो जाने वाली थी। वो ऐसे उसे कॉल आता है कि वो जो बाव है वो बहुत बड़ी मुसीबत में, शायद उसकी जान ले ले वो लोग। उसके बाद वो पहले तो केन को कॉल करती है, केन का फ़ोन तो अभी जी उठाती है और बोलती है अभी वो हम दोनों सांस ले रहे तो तुम डिस्टर्ब करना बंद करोगी, बोल के फ़ोन को काट देता है। और इवन वो तो ऐसे वो कॉल भी डिलीट कर देती है। जब ये देखे तो बेचारी शीना उसे गुस्सा आ रहा था कि उसका बेटा वहाँ पर किडनैप हो गया है और ये बंदी यहाँ पर रोमांस करने के लिए बिजी है, दोनों कैसे माँ बाप है। और वो सोचती है अब तो मुझे भाव को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। आई नो मुझे उसकी माँ से प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि नन्ही सी जान को मैं पनिशमेंट दूंगी, ऐसा वो सोच के वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब फिर से जब केन वापस आता है तो अपना फ़ोन उठाता है और वो बोलता है किसी का कॉल आया था, वो बोलती है नहीं। और अभी मैडम जो फ़ोन डिटेल मतलब फ़ोन डिलीट कर चुकी थी कॉल, तो इसीलिए ये देख नहीं पाता कि सीना ने उसे कॉल किया हुआ है। सो हमें दिखाया जाता है वाओ जिस लोकेशन में था वहाँ पर वो पहुँच जाती है। और उसके बाद वो उसे उठाने की ट्राई कर रही थी, एक बंदा कि उसे हार्म करने की ट्राई करता है। पहले टाइम में सीना उसकी हड्डी पसली एक करती है, लेकिन बाद में जब वो बाव को छुड़ाने की ट्राई कर रही थी तो कोई आके उसके पीछे बहुत बुरी तरह से वार करता है, जिसके वजह से सीना भी वहीं पर बेहो। सीना जब अपने आंखें खोलती है तो वहाँ पर सावा बंधा हुआ था, वो बेहोशी था। और इवन होता ये है कि वहाँ पर केन और सब लोग आ जाते हैं। अब ये सब प्लॉट किया हुआ है, जी का था तो होना तो ये था ही। और होता ये है कि सब लोग ब्लेम इवन अब जी ने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन जिसकी वजह से सीना के ऊपर बाव को किडनैप करने का ब्लेम आ जाता है, क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है और अभी वो उसके पापा यानी कि केन को ब्लैकमेल करके पैसा लेना चाहती थी। और बेचारी सीना पूरी तरह से फंस गई, वो बोलने की ट्राई कर रही थी ऐसी बात है नहीं, और वो बोल रही थी कि तुम्हारी खुद की फ्रेंड्स ये सब कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि इस बार जो जी थी उसका पल्ला भारी था। वो तो टेंशन में आ गई और उसे प्रॉमिस करती है कि वो प्रूफ लेके आएगी कि उसकी फ्रेंड्स कोई दूध की दूली नहीं है और उसने उसके खुद के बेटे का किडनैप किया हुआ है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो केन था उसके पास रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट डीएनए रिपोर्ट, जिस पे साफ साफ मेंशन था कि जो बच्चा है यानी कि बाव उसका सीना का नहीं है। तो ये सुनने के बाद तो शौक में वो सोचता है अगर ये इसका बच्चा नहीं है तो क्या सच है। और उसके बाद तभी वहाँ पर सीना आती है, सीना वो बैंक स्टेटमेंट लेके आई थी जिसके थ्रू मतलब जो स्टेटमेंट में ये मेंशन था कि जो हमारी बंदी थी जी उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हुए थे किडनैपर को। लेकिन अभी साहब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में था, वो उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं मिल गया स्टेटमेंट ने सब कुछ, या फिर तुम खुद ही प्लान कर रही हो मेरे बेटे को हार्म करने के लिए, तुम मेरे लाइफ में क्यों आई हो, मेरे बेटे को इम्प्रेस करके तुम मुझ तक पहुँचना चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए, बोल के उसे धमकाने लगता है सीना। तो शौक में वो बोलते कि ये क्या बकवास कर रही हो, और तभी वो उसे बोलती है मैं यहाँ पर बस तुम्हारी फियांसी की असलियत दिखाने आई थी, तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारी फियांसी अच्छी नहीं हो तो दूसरे लोग क्या ही अच्छे होंगे। तभी केन उसे बोलता है मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ तुम मेरे बेटे से दूर रहो, अगर तुम मेरे बेटे के आसपास भी आई ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मैं ये भूल जाऊंगा कि केन तुम्हें पसंद करता है, ऐसा वो बोल के उसे धमका के वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद इसका नतीजा ये होता है कि जो सीना थी उससे अब केन मिलने बिल्कुल भी नहीं देता और वो तो परेशान हो गई थी। वो सोचती है मुझे क्या, ऐसे भी वो तो जी का बेटा है ना, ऐसा वो सोचती है। और सोचती है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इस मकसद से तो नहीं आई थी, मुझे तो अपनी फैमिली को ढूंढना था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है एक दिन वो ऐसे क्रश हो रही थी और वो देखती है जो शाओ बाव था बाव उसको उसका एक फ्रेंड गुंगा बोल के उसे बुली कर रहा होता है। और उसके बाद सीना तो वहीं से क्रश हो रही थी इसीलिए उसे गाली देती मतलब समझाती ऐसा नहीं बोलते छोटे बच्चे को, और
क्योंकि वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर पा रहा, तो इस तरह से बुली मत करो। और वहाँ पर केन आता है, केन उसे और डांटता है कि तुम मेरे बेटे को प्राइवेटली मिल रही हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझसे उससे नहीं मिल सकती, बोल के उसे डांट रहा था। और उसके बाद बेचारी हिना सोचती है मुझे इन दोनों के लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं आना, अब मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा साओ बाओ के आसपास भी जाने से। और उसके बाद होता ये है कि जो हमारी जी थी वो ऐसे केन के पास जाती है, और उसके बाद वो बोल रही थी कि मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। केन को बहुत गुस्सा आता है, एक तो इसकी बेटी के यह हाल है, अरे इसकी माँ है और ऐसी हरकतें कर रही है। और उसके बाद हो से बोलती है मैं तो बस अपने बेटे के लिए बोल रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा ना बेटे का ख्याल रखने के लिए, मैं हर दिन यहाँ पर तो नहीं आ सकती ना, बोल के उसे समझा रही होती है। केन कुछ काम की वजह से अंदर की तरफ जाता है, इसी टाइम पर तो जी थी उसे एक अंधेरे कमरे में लॉक कर देती है, वो तो वहीं पर बेहोश होता है। जब केन वापस आता है तो उससे पहले थोड़ी देर पहले वो दरवाज़ा खोलती है और नौटंकी करती है कि ये यहाँ पर ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और ऐसे वो सीना का नाम ले रहा था, पता नहीं उसने हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया, उसके ऊपर काला जादू कर दिया, अब हमारा बेटा उसका दीवाना बन चुका है। बेचारा केन तो परेशान, और उसे हॉस्पिटल पर एडमिट करवा लेता है। पैरेलली दिखाया जाता है जो शीना थी उसके पास एक रिपोर्ट आ गया, तो दरअसल जो रिपोर्ट केन के पास आना था वो तो शीना के पास गया था, जहाँ पर ये मेंशन था कि जो बाव है उसका बच्चा है। वो तो बहुत खुश, वो भाग के जाती है केन के पास, और केन के पास ढूंढते ढूंढते तो हॉस्पिटल पर पहुँची, और वो ये बताने गई थी कि वो मेरा बच्चा है। लेकिन बाद में केन उल्टा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डांटता है और बोलता है तुम हमारे लाइफ से दूर चले जाओ, जिस दिन से तुम मेरे बच्चे के लाइफ में आए हो उसकी हर बार प्रॉब्लम ही होती रहती है। पहले वो ज़्यादा उसे बात नहीं करता था, लेकिन अब तो उसकी जान खतरे में आ जाती है हर बार, तो हो पाए तो प्लीज़ मेरे बेटे के लाइफ से दूर जाओ, बोल के उसे डांटने लगता है। ये सुन के सीना क्या बोलती, वो सोचती है मैं इसके लाइफ से दूर जाना ही शायद मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए बेस्ट चाहती हूँ, और मुझे पता है इसके पापा के साथ रहेगा तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ऐसा वो मन मन में सोचती है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेबी, बोल के वो वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है, और वहाँ से रोते हुए निकल लेती है। जहाँ पर वो फिर से एक बार जेन से टकरा जाती है, जेन दिखता है सीना तो रो रही है, जो देखने के बाद तो शौक में वो उसे बोलता है तुम्हें किसने भूल किया मुझे बताओ, वो तो रोए जा रही थी। जेन को इतना और देखने के बाद सीना बोलते है नहीं मैं ठीक हूँ, और उसके बाद वो उसे घर पे छोड़ने के लिए चला जाता है। और जेन को थोड़ा डाउट था इसीलिए वो ऐसे एक बंदे को कॉल करता है और वो बोलता है जी और सीना के बीच में क्या रिलेशन है, वो पता लगाओ इन दोनों के बीच में क्या पंगा है। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में बाव का तो ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है, और साथ में जो जी थी वो उसके लिए कुछ खाना लेके आई थी, आई मीन टू से केन के लिए, और वो उसे खाने को देती है। हमारे हिसाब से आते को पता ही नहीं था कि वो किस प्रॉब्लम में फंसने वाला है, और ऐसे भी जी कौन सा उसका बच्चा था जो उसके लिए ओरिड होती, उसके तो उसे तो बस किसी भी कीमत पे केन के साथ रात गुजारनी थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो केन था उसको नशा कराती है, और उसके बाद उसके साथ से मतलब नज़दीक होने की ट्राई कर रही होती है, और तभी शीना वो आखिरी बार शावक मिलने के लिए आई हुई होती है। और हमें ये दिखाया जाता है जो केन था वो ऐसे जी को धक्का देता है और वो बोलता है अगर मैं नशे में रहूँगा या फिर पूरे होश में तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बोल के वहाँ पर वो अपने लोगों को बुलाता है, और उसके बाद उसे वहाँ से लेके चला जाने के लिए बोलता है। वो लोग जो जी थी उसे तो लेके चले जाते हैं। शीना जब उस कमरे में घुसती है तो वो तो शौक में, क्योंकि जो केन था उसे अपने पास खींचता है, उसे पहले तो कैसे करता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, उसे बोलती है हटू यहाँ से मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आई, मैं वहाँ से मिलने के लिए आई थी। सुनी का तो बोलता है क्यों तुम्हें क्यों मिलना है मेरे बेटे से, तुम क्या मेरे बेटे को लेके जाने वाली हो, वो बोलती है हाँ वो मेरा बच्चा है तो मैं क्यों नहीं ले जा सकती। तभी केन उसे बोलता है क्या इसका मतलब क्या तुम वो 6 साल पहले जो लड़की मेरे साथ थी वो तुम थी, वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद वो रिपोर्ट दिखाती है और बोलती है मुझे नहीं पता तुम इस चीज़ को किस तरह से लोगे या फिर मेरे बारे में क्या सोचोगे, मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचोगे, लेकिन ए फैक्ट है वो मेरा भी बेटा है और अभी मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, ऐसा वो बोलती है। वो उसे बोलता है हर किसी नहीं, अगर तुम्हें बच्चा वापस चाहिए तो तुम
जब बर्थ दे रही थी बच्चे को, मतलब पैदा कर रही थी, तब उसके साथ क्यों नहीं थी, ऐसा वो बोलता है। तब शीना बोलती है, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये सुनने के बाद जो केन है वो बोलता है, तो मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, या फिर तुम अपनी बॉडी को देकर मुझसे कंप्रोमाइज करोगी, कंपेंसेट करोगी, तो मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा, बोल के उसके साथ नज़दीक होने की ट्राई करता है, मतलब लिटरली उसे किस करने लगता है। सीना उसके सर पे जोर से वाह से मारती है और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश। सीना बोलती है, इंसान एक बार गलती करे तो उसको गलती बोलते हैं, दोबारा करे तो गुनाह होता है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी। और सोचती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा तुम्हारा एडवांटेज तो लेना पड़ेगा। उसके बाद उसे उसके सारे शर्ट के बटन खोलती है, कुछ अच्छे अच्छे फोटोज लेती है, और उसके बाद वेट करती है केन आँखें खोले। केन जब आँखें खोलता है तो अपने आपको इस हालत में देखता है और वो बोलता है, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीना बोलती है, कुछ नहीं कुछ नहीं, रुको रुको, मुझे तुम्हारे फिगर पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, बस मुझे ना अपना बेटा हुआ बस चाहिए। ये सुनने के बाद केन बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों दूंगा तुम्हें अपना बेटा। वो बोलते हैं, क्योंकि मैं वो मेरा भी बेटा है और उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इस प्रूफ ना कि तुम उसे अच्छे से रख नहीं पाए, और अभी मुझे भी अपना बेटा वापस चाहिए, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद केन बोलता है, हर किस ने, मैं अपना बेटा तुम्हें कभी भी नहीं देने वाला। अगर तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र थी तो तुम उस टाइम पे कहाँ पर थी जब ये बच्चा इस तरह से आप मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा था, और तुम पैदा करने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। अब तुम्हें बड़ी ममता आ रही है तुम्हारे अंदर। तभी सीना उसे बोलती है, मुझे बाकी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे बेटे को अच्छे से नहीं रखा, अब मुझे अपना बच्चा हुआ बस चाहिए। केन साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है, अगर तुम अच्छी माँ होती तो तुम मेरे बेटे को कभी छोड़ के जाती ही नहीं, और अभी मेरे बेटे को जो हेल्थ इशू है वो भी तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तो अब मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तभी सीना उसे बोलती है, अगर तुमने मेरे बच्चे को नहीं दिया तो मैं सारी फोटोज लीक करवा दूंगी, कस्टडी में मैं आराम से ले लूंगी, क्योंकि तुम अपने फियांसे के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, मेरे पास फोटोज है, ऐसा बोल के उसे धमकाती है कि या तो मैं फोटो पब्लिश करती हूँ, तुम्हारे अच्छी खासी बदनामी होगी, तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, या फिर बच्चा, वो उसे बोलता है, बच्चा तुम्हें नहीं देने वाला, और एक बात याद रखना, कभी भी मेरा बेटा तुम्हारे साथ तो रहने वाला है नहीं, उसे माँ बाप की जरूरत दोनों की पड़ेगी। तभी सीना मन ही मन में सोचती है, हाँ ये बात तो सच है, मतलब कुछ भी हो, 6 साल उसने जो मिस किया हुआ है अपने बेटे के साथ बिताने का जो अच्छा टाइम होता है, तो अब उसे तो पता नहीं है ना कि बाप को क्या पसंद है क्या नहीं, और बहुत कुछ जो केन जाता है उतना तो नहीं जानती। तो वो बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने बेटे के साथ रहने का वक्त चाहिए, 1 महीना। वो बोलता है, हाँ वो हो जाएगा। उसके बाद वो उसे बोलती है, अगर 1 महीने तक मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से रह पाई, मैं अपने बच्चे को समझ पाई, तो उस टाइम पे मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। केन मन ही मन में सोचता है, अगर 1 महीने में मेरा बेटा नॉर्मल हो जाए, वो जो जिस तरह से डरता है, वो जो उसे ऑटिज्म की बीमारी है वो ठीक हो सकता है ना, तो मैं ये तो कर दूंगा। और बच्चे का क्या है, इसे ये मेरा बच्चा ले जाए ये तो हो ही नहीं सकता, मन ही मन में सोचता है। मतलब वो उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं बच्चा दे दूंगा, लेकिन उसकी बीमारी को सही करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस बात की वजह से ये दोनों एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जहाँ पर ऐसा था कि 1 महीने तक अभी किसी भी कीमत पर जो हमारी बनती थी हाई मिंटू से सीना, उसे किसी भी कीमत पे भाव के साथ में रहना था, और उसकी बीमारी का इलाज करना था प्यार से, और उसकी हेल्थ को थोड़ा बेटर कराना था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तो वहाँ से चल के गई, और उसके बाद केन के पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है, एक बात पता चला है बॉस, सीना और जी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों बचपन से साथ में पले बड़े हैं। सीना जब अरफान थी तो उस टाइम पे जी के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया हुआ था, और अभी ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करते कि एक दूसरे को जानते नहीं है। सुनने के बाद केन तो शौक में, क्योंकि इसके बारे में तो ना तो जी ने बताया था ना तो सीना ने बताया था, ऐसे भी सीना को तो उसने कभी पूछा नहीं है। और उसके बाद केन बोलता है, चलो अब एक और पार्ट पे चले जाते हैं, अब असलियत बाहर लाने का समय आ गया। और उसके बाद वो जो जी थी उसके पास मिलने के लिए चला गया। जी तो उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार के उसके साथ खुद ही मिलने के लिए।
और जी तो बहुत खुश होते हैं, उसे बोल रहे थे तुम तो मुझे यहाँ पर मिलने आए हो, तभी उसके मुंह पे बोलता है हमारा रिश्ता खत्म। पहले तो वो तो घबरा गई कि ये क्या बोल रहा है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हें क्या बोले वाला ड्रामा कर रही होती है शॉर्टकट में बताओ तो। जो केन था उसके मुँह पे बोलता है तुमने उसे झूठ बोला है, तुम मेरे बच्चे की माँ हो ही नहीं, और अगर हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता था ही नहीं तो बाकी रिश्ता अगर भी होने का कोई फायदा नहीं है, मेरे बच्चे की असली माँ मुझे मिल चुकी है, अब हमारा सब खत्म, ऐसा हो बोल देती है, जिसके चक्कर में वाट लग जाती है अब इसकी। और वो बहुत गुस्से में वो ऐसी सोचती है मैं इस चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको बर्दाश्त कर दूंगी। वो कुछ लोगों को हायर करती है और उसके बाद वो जो सीना थी उसको एक होटल पर बुला लेती है, उसके साथ कुछ गलत करवाना चाहती थी लेकिन उसे पता नहीं था ये गलत तो उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होने वाला था, क्योंकि हमारा हीरो उसे वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाता है। दरअसल तो पहले जेन उसे रेस्क्यू करके बाहर लाया था, लेकिन बाहर आने के बाद जो हमारा केन था वो जेन से सीना को छुड़ाता है और वो गाड़ी में लेके चला जाता है, और उसके बाद गाड़ी में जाने के बाद तो सीना के अलग ही रंग थे, मतलब वो उसकी टाई निकाल के उसे तो किस करने लगती है, वो तो शौक में आ गया, लेकिन हाँ बाद में वो अपने आप को रोक नहीं पाता और इसके बाद यहीं पर कट हो जाता है सीन, सुबह वाला सीन। सीना सो रही होती है, सा बाव अंदर आता है बाव, और उसके बाद वो अपनी मम्मा को थोड़ा मतलब कम कपड़े में देखने के बाद चिल्ला के डर के भाग जाता है। सीना खुद बोलती है ये क्या चल रहा है, मैं फिर से इसके बाद इसके साथ सो गई क्या। और तभी केन अंदर आता है और बोलता है गलत क्या क्या तुम्हें पता है, वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने जो भी किया है ना अनजाने भी किया है। सुनने के बाद केन बोलता है एक बात बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती, एक हटे कटे मर्द के साथ ये सब कुछ कहती रहती हो और बोलते हो अनजाने में मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है मेरे मुझे तुमसे बात करनी है तो जल्दी से बाहर आओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जब बाहर आती है तो केन उसे एक एग्रीमेंट देता है, एग्रीमेंट ऐसा था कि अभी कुछ टाइम तक उसे उसके बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा और उसे उसके साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि पर शिफ्ट क्यों होना है, हमें कपल की तरह थोड़ी रहना है। ये सुनने के बाद केन बोलता है क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मेरे बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, फैमिली इन्वायरमेंट देने के लिए माँ बाप को साथ में रहना सही जरूरी होता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। सीन बोलते हैं ठीक है मैं हो जाऊँगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा ये भी लिखा हुआ था कि वो किसी और अपोजिट मतलब अपोजिट सेक्स यानी कि कोई और मैन के साथ नहीं मिल सकती। सीरा बोलती है तुम मुझे हस्बैंड वाले ऑर्डर्स क्यों दे रहे हो, और तुम मेरे कुछ लगते हो क्या, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हो, बस हम पेरेंट्स हैं कॉपल नहीं। वो बोलता है क्योंकि तुम्हें अपने बेटे की सबसे अच्छी माँ बनना होगा इसलिए तुम किसी और मैन के साथ जा ही नहीं सकती, बोल के उसे बोलता है अगर तुम इस चीज़ को नहीं मानोगी तो भूल जाओ तुम्हें मेरा बेटा तो नहीं मिलने वाला, ऐसे भी अगर मैं कोर्ट में कस्टडी के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरा पल्ला ही भारी है, ऐसा वो बोलता है। सीना बेचारी क्या करती, वो इस चीज़ को मना नहीं कर पाती, और केन का ऐसा था कि उसने देखा हुआ था बार बार जेन सीना के आसपास ही था, इसी बात की वजह से उसे तो इस बात के लिए उसको तो रोकना ही था। और हमें दिखाया जाता है इस बात की वजह से अब होता यह है जो जी थी वो सोशल मीडिया में आकर लाइव आती है और बोलती है कि मेरे फैंस ने मुझे छोड़ दिया एक घटिया लड़की की वजह से, सीना का नाम और फोटो पब्लिक करती है और वो बोलती है मेरा रिश्ता टूट गया मैं मरने वाली हूँ वाला नौटंकी कर लेती है, और जिसका चक्कर में रिपोर्टर्स और सब लोग सीना के ऊपर टूट पड़ते हैं। केन उसे वहाँ से निकाल के अपने घर पर ले जाता है और उसके बाद वो उसे सॉरी बोलता है और ये सब कुछ होने की वजह से, सीना बोलते कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें ये दिखाया आता है जो सीना थी उसको अंदर भेजने के बाद उसका असिस्टेंट आके बोलता है ये सब जी ने क्या हुआ है हम कुछ करें, तभी वो बोलता है कि नहीं कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, हम बाद में इस चीज़ को देख लेंगे, अभी मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ बहुत गलत है, ऐसा वो बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है फिर से एक बार जो जेन था वो सीना से तो बार बार मिल ही रहा था, मिलने का रीज़न ये था कि जो जेन था उसे ये पता चल चुका था उसकी असली बहन सीना है, और इस बात की वजह से वो अब इस चीज़ को आगे तक देखना चाहता था, उसे कुछ कन्फर्मेशन चाहिए होता है। लेकिन ये देख के तो जो हमारा केन था वो तो पागल ही हो रहा था, एक तो उसका बिजनेस राइवल और उसकी ये फियांसी, और उसके बाद वो टेंशन में आ जाता है, उसे लगता है अब उसके हाथों से उसके बच्चे की मां तो जा रही है।
इतना कुछ होने के बाद किंतु परेशान ना चाहते हुए भी वो सीना के करीब आ रहा था, सीना को लाइक करने लगा था। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है वो बहुत परेशान होके वो ऐसे अपने दोस्तों के साथ कंसल्ट करता है उसे क्या करना चाहिए। उसके दोस्त समझ चुके थे कि हमारा हीरो हमारा केन अपने बच्चे की नानी की परवाह नहीं कर रहा था बल्कि अपने होने वाली वाइफ की परवाह कर रहा था। तो वो भी उसे ऐसा बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर उसका ट्रस्ट जीतो, उससे अपने दिल की बात बताओ। तो हमारा साहबजादा ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें करने लगता है जो देखने में काफ़ी मज़ेदार था। पहले तो उसके लिए इतने सारे खाने की डिशेस बनाता है जो देख के सीना ऐसे सोच रही थी कि इसे लगता है मैं इंसान हूँ या फिर सुअर, इतना कौन खाता है। और मना करती है दोबारा वो पूरे उसके चलने वाले रास्ते में ऐसे रोज़ के पेटल लगा देता है। बाद में पता चला सीना को तो एलर्जी इन सब चीज़ों से, वो खांसते खांसते जाती है सीधा छींक मारते मारते कैन के पास। वो बोलती है सब क्या बचकानी हरकत चल रही है, मुझे बताओ क्या आप पागल हो गए हो तुम। ये सुनने के बाद उसे बोलता है तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। तब शीना बोलती है कि बात वो नहीं है लेकिन तुम्हें हरकतें क्या कर रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। ये सुनने के बाद कैन उसे बोलता है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। शीना बोलती है क्या बकवास कर रही हो, पागल हो गए हो क्या। ये सुनने के बाद कैन बोलता है मुझे तुम्हें एक बार इम्प्रेस करना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। क्योंकि ऑटोमेटिक हम दोनों एक बच्चे के माँ बाप तो है ही लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ गुजारनी है। वो तो शौक में वो बोलती है बकवास करना बंद करो। एन देना में दिखाया जाता है तभी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे मेरी बात रखने का मौका दो, मुझे सच में तुम पसंद हो। तब वहाँ पर मॉम आ जाती है, मॉम मतलब केन की मॉम। तो जीने ऑलरेडी मॉम को भेजा हुआ था ये बोल के कि केन मुझे छोड़ रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब आंटी जी को थोड़ी पता है और यहाँ पर केन मॉम को सारा सच पता देता है कि वो जी के साथ बस इसलिए था क्योंकि वो उसकी बच्ची की माँ थी जो सरासर जोर था और अभी उसकी माँ है नहीं। तो अब वो उसके साथ थोड़ी रहेगा क्योंकि वो उसे पसंद तो करता नहीं था। और ये सुनने के बाद मॉम बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, अगर ये सच्ची में साहबाओं की मॉम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद शीना परेशान और उसके बाद ये चीज़ अभी जो मॉम है वो भी जी को बता देती है कि तुम्हें मैं इससे बेटर लड़का ढूंढ के दूंगी। बेचारी जी तो गुस्से में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा ही था, वो बिल्कुल भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो ऐसे होता है कुछ समय तक शाओबाओ इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगता है, वो सीना को देखने के लिए भी रेडी नहीं था। बाद में पता चला कि जो जी है उसने तो शाओबाओ को सारा चीज़ बता दिया था कि ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तुमसे नफरत करती है, इसलिए तो तुम्हें छोड़ के गई थी। वो तुम्हारी मम्मा है नहीं, वो तुमसे सिर्फ नफरत करती है। बेचारा बच्चा, उसे ऐसा लगा कि मेरी मम्मा मुझे प्यार ही नहीं करती तो इसलिए उससे दूर भाग रहा था, दूर भाग रहा था। शीना को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है और वो उसे पटाने की ट्राई कर रही थी, मनाने की ट्राई कर रही थी जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। और यहाँ पर केन समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ है। तो एक दिन धीरे से केन उसके पास जाता है और उसे पूछ भी लेता है क्या हुआ है, वो नहीं बताता। और शीना अपने बच्चे का दिल जीतने के लिए उसके आगे पीछे मंडा रही थी और इसी चक्कर में उसे चोट भी आ गया, उसे हॉस्पिटल पे लाना पड़ता है। और हमें ये दिखाया जाता है केन का जो बर्दाश्त था अब टूट चुका था, मतलब बर्दाश्त वाला लिमिट। वो उसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने मम्मा के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो लिख के बताता है मम्मा हमसे प्यार नहीं करती मुझसे ना, इसलिए वो मुझे छोड़ के गई थी, वो मुझसे नफरत करती है, मैं अनटचेबल हूँ, मतलब मैं से ख़राब लड़का हूँ। सुनने का तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, मम्मा को आपके बारे में पता नहीं था, एक गलत फहमी हो गई थी इसीलिए वो आपके साथ नहीं थी। जैसे मम्मा को पता चला आप उनके बच्चे हो तो उसके बाद तो वापस आ गई ना, बोल के बहुत प्यार से समझाता है। जो सुनने के बाद अब जाके छोटे से बच्चे के माइंड में सारा बात समझ में आ जाता है। और उसके बाद वो ऐसे उसे अपनी मम्मा यानी कि जब सीना आँखें खोलती है तो उसे सॉरी बोलता है। माँ बेटे में फिर से एक बार सुलह हो जाती है। केन उसकी तबीयत चेक करने के लिए आया था और वो उसके ऊपर ही गिर गया, दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया। और जो हमारा बेबी था उसे आंखें बंद करके बोलता है मम्मा पापा का किस हो गया। और उसके बाद जो सीना थी वो तो एम्बैरेसमेंट के मारे वहाँ से भाग जाती है।
अब हमें दिखाया जाता है जो शीना थी उसके पास ट्रेन आता है, उसे उसका सच्चाई बता देता है कि वो उसकी फैमिली की छोटी बेटी यानी कि शेन जो जेन है उसकी छोटी बहन, उसे जेन रिपोर्ट सब कुछ दिखाता है। इवन उसके बैक पे जो बटरफ्लाई वाला टैटू था वो उसका असल में बर्थमार्क था, बचपन में हुआ करता था, ये भी बता देता है। और वो ये देखने के बाद वो तो शौक में वो रोने लग जाती है, वो जेन को हक करती है क्योंकि वो बहुत खुश थी फाइनली उसे उसकी फैमिली वापस मिल गई। लेकिन उसे ये पता नहीं था उसका बंदा मत है ना अकेले सब कुछ देख रहा है। वो आता है वो जेन को मुक्का मारता है और वो बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था तुम इस लाइफ को चूज करोगी। वो अपसेट हो जाता है और तभी जेन उसे बोला था पहले उसे समझाओ। ये सुनने के बाद सभी ना बोलते हैं मैं उसे बाद में समझाऊंगी, अभी मुझे माँ पापा को मिलना है। और उसके बाद वो अपने फैमिली के पास मिलने के लिए चली जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर फैमिली रियूनियन तो हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में शाम को जब शीना देखती है अब तक केन नहीं आया, बाद में असिस्टेंट केन को लेके आया था लेकिन साफ ज़्यादा एक नंबर के नशे की हालत में था क्योंकि उसे बर्दाश्त हो नहीं पा रहा था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी बंदी को लेके गया। और बाद में उसे इतना ज़्यादा अच्छे से क्लास लेती है, ये बोलती है कि तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा बोल रही थी, वो मेरा भाई है और इसीलिए हम लोग इतने टाइम से साथ में थे, मैं अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वापस चाइना आई थी। ये सब सुनने के बाद तो बहुत खुश होता है, उसे जोर से हक करता है, उसे लगा था उसने सीना को खो दिया जो झूठ था, एक बार पूछ तो लेता पूछा नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीना थी वो ऐसे एक दिन घर पे होती है, तभी जो जेन था वो शीना को लेने के लिए आया हुआ था लेकिन वो तो गायब हो गई घर से। बाद में पता चला जी उसे किडनैप कर चुकी थी, इसके बारे में उसे पता चल गया जेन था उसे बहुत बुरी तरह से मारता है अपने जीजा को यानी कि केन को, ये बोलते हुए कि तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और केन प्रॉमिस करता है वो उसे सही सलामत वापस लेके आएगा क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। एन दिन हमें दिखाया जाता है वो उसे लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर जी बहुत गुस्से में थे, आज वो शीना की जान किसी भी कीमत पर लेना चाहती थी और इसीलिए वो उसे से हार्म करना चाहती थी। पहले जो केन था उसे घुटनों में बैठकर माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था प्लीज़ उसे छोड़ दो, ये चीज़ तो जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और शीना इवन उसे समझाने की ट्राई कर रही थी तुम मेरी बहन हो ऐसी हरकतें मत करो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो जी थी वो बोलती है मेरे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, जिस लड़के को मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ वो भी तुमसे प्यार करता है तो तुम मेरी बहन होने का दावा कैसे कर सकते हो, बोल के वो रोने लग जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हमें सीन यहीं पर कर दिखाया जाता है जब शीना को होश आता है तो 4 दिन हो चुका था, साहबजादी अभी भी कोमा में थी और उठने के बाद सबसे पहले तो वो किन के बारे में पूछती है क्योंकि उसे केन और अपने बेटे बाव को देखना था और वो बाहर की तरफ भागते हुए आती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो हमारा बाव था वो फ्लावर का बुके लेके आता है और वो बोलता है पापा ने आपको बहुत मिस किया मम्मा। और उसके बाद लाइट ऑन होती है और हमारा हीरो केन अभी शीना के लिए फ्लावर का बुके और वो रिंग लेके आता है जिसके थ्रू वो सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शीना बहुत हैप्पी हो जाती है और उसके बाद ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।